आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कुछ दिखाऊंगा, कुछ महसूस कराऊंगा। ओके ओके, एक मैजिकल तरीका जिसकी हेल्प से आप वीडियो को एडिट कर सकते हो। मैं जानता हूँ बहुत से लोग जिन्होंने इस वीडियो पे क्लिक करा है, वो लोग एक टाइम पे वीडियो एडिटिंग करते हैं, और ये चीज बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने पर्सनली 200 से ज्यादा वीडियोस, अराउंड 300 या 400 वीडियोस एडिट कर दिए आज तक, और उसमें मुझे बहुत सारे घंटे जो जाते हैं वो जाते हैं सिर्फ कट करने में, ट्रिम करने में। ये इनिशियल पार्ट होता है एक वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद प्रोजेक्ट को, आपको क्या करना पड़ता है, टाइमलाइन में कटिंग करनी पड़ती है कि क्या क्या पार्ट आपको रखना है, क्या रिमूव करना है, क्या जो फालतू की चीज़ें ऐड हो गई है, जो पॉज है उसको रिमूव करना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है। मेरी पर्सनली वीडियोज 20 से 30 मिनट्स की होती है हर एक वीडियो, जो रॉ वीडियो होती है कट करने के बाद वो 10 मिनट या 15 मिनट्स की हो जाती है, लेकिन वो 20-30 मिनट में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी 2 या 3 घंटे लग जाते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम 2 घंटे लग ही जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है, डिपेंड करता है वीडियो की लेंथ के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे पर्सनली इसका एक सॉल्यूशन मिला कि होगा क्या कि आपके जो कटिंग का प्रोसेस है, ट्रिमिंग का प्रोसेस है, आपके जो साइलेंस है उसको रिमूव करने का प्रोसेस है, वो ओवरऑल ऑटोमेट हो जाएगा AI की हेल्प से। वो ऑटोमेटिकली आपके लिए करके दे देगा। एक टूल है जो मैं आपको अभी इस वीडियो के आगे बताने वाला हूँ, जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, दिखाने भी वाला हूँ डेमो, और कटिंग नहीं, इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं, वो पर्सनली मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपके वो काम आए तब आप उनको अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो हम लोग जल्दी बढ़ते हैं टूल की तरफ। अगर आपको वीडियो देखना पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि फ्यूचर में आपको और ऐसी वीडियोस मिल सके। तो यहां पर सबसे पहले प्रीमियर प्रो ओपन कर लेता हूं। अगर मैंने कवर नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, ये टूल स्पेशली प्रीमियर प्रो के लिए ही आता है फिलहाल, स्मार्टफोन के लिए नहीं है। अगर कोई होगा तो मैं चेक करके डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा। तो मैं फिलहाल के लिए एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। मैंने वीडियो ये कल ही शूट करी थी और इसमें मैंने अभी तक कट नहीं मारे, सिर्फ मैंने सिंक्रोनाइज करा है, सिंक करा है वीडियो और ऑडियो को। ठीक है, ये हमारी पूरी वीडियो है, ये अराउंड है तुम्हारी 24 मिनट्स की वीडियो है, 24 मिनट 43 सेकेंड्स की वीडियो है। अब हम जाएंगे ऑटोमेशन की प्रोसेस पे। ये ऑटो कट वैसे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा था, लेकिन अगर आपको ओपन करना है आपको क्या करना है, ऑटो कट इंस्टॉल करना है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे ड्रॉप कर दूंगा। प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करोगे इसे और एक्सटेंशन के अंदर ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप विंडो के अंदर जाओगे, एक्सटेंशन में मेरे पास और एक्सटेंशन भी है, यहाँ पे ऑटो कट मैंने चूज कर लिया, तो ऑटो कट यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर बात करें होम पेज के अंदर अपने को बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑटो कट साइलेंस, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मैंने 2 यूज करे अभी तक, ऑटो कट साइलेंस और ऑटो जूम, ये दोनों मैं हर वीडियो में यूज कर रहा हूँ इसका, और ये अच्छे से काम कर रहा है। मैंने अभी तक 4 या 5 वीडियोज में यूज कर चुका है, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी यहां पर ये दो तो मैं ऑलरेडी यूज करता हूं, ऑटो कट पॉडकास्ट, ये स्पेशली करो एडिटर है ना, एडिटर के मजे आने वाले हैं कि वो बैठे बैठे किसी की पॉडकास्ट एडिट कर सकता है, बैठे बैठे किसी की वीडियो एडिट कर सकता है, और उसके लिए काम बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, एटलीस्ट कटिंग का और ट्रिमिंग का। ऑटो कैप्शन, कैप्शन ऐड करने का भी, और प्रोफेनिटी फिल्टर, अगर आपको कुछ गाली गलोच है तो वो हटा देगा। ठीक है, ऑटो रिपीट, ऑटो कट रिपीट, अगर आप एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो वीडियो में उसको भी हटा देगा, ऑटो रिसाइज। ठीक है, अगर आपको बड़ी वीडियो को, आपकी 16:9 की वीडियो को रिसाइज करके शॉर्ट्स क्लिक करना है तो वो ये भी, ये वो भी कर देगा। ऑटो बीरोल का ये सब मैंने यूज नहीं करे, वैसे ऑटो चैप्टर जो हम यूट्यूब पे चैप्टर यूज करते हैं उसके लिए भी, ऑटो वायरल क्लिप्स, ये भी पॉडकास्ट लंबी वीडियो में से कुछ अपने आप से क्लिप्स उठा लेगा और उनके शॉर्ट्स बना देगा, उनकी रील्स बना देगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यही 2 यूज करे, लेकिन ऑटो कट पॉडकास्ट की मैंने वीडियो देखी है, ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। फिलहाल हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑटो कट साइलेंस पे जंप करते हैं, जो हमारा काम सबसे ज्यादा आसान करेगा। इस पर मैंने क्लिक किया, अब ये बोल रहा है क्लिप्स को सिलेक्ट करो जिन जिनको आपको कट करना है ऑटोमेटिकली। तो मैंने सारे क्लिप को सिलेक्ट किया, ये मैंने पहले से सिंक कर रखी, आपको भी यही करना है, सिंक करके रखना है ताकि ये सिर्फ कटिंग का काम आपके लिए कर दे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये कुछ चीज पूछ रहा है, वर्जन 2 या फिर ऑटोकट AI की हेल्प से करना चाहते हो या फिर अपने आप से कुछ मैनुअली थोड़े बहुत चेंजेस करके करना चाहते हो। तो मैंने पर्सनली नॉइज लेवल 38 सेलेक्ट कर रखा है कि 38 से नीचे कोई भी आवाज हो तो वो अपने आप कट जाए। एक बार आप यूज करने बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम करता है। 300 मिलीसेकंड से ज्यादा होगी कोई साइलेंस तो उसको रिमूव कर देगा, और रिमूव टॉक शॉर्टर देन 200 मिलीसेकंड, ये आप लोग देख सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा, मैंने बस 38 dB का सेट कर रखा है, उसके बाद मैं सिंपल सा कट एंड डिलीट साइलेंस भी क्लिक करता हूँ। यहीं पर अगर हम ऑटो कट AI पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास 3 or 4 ऑप्शन मिलते हैं AI अग्रेसिवनेस की, आप कितने अग्रेसिव होकर कटिंग करवाना चाहते हो इससे। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4 लेवल मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, मैंने साइलेंसेस, रिमूव साइलेंसेस, कीप साइलेंसेस, म्यूट साइलेंसेस। आप टाइमलाइन में रखना चाहते हो या फिर म्यूट करके रखना चाहते हो या फिर उनको रिमूव ही करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन की बात करें, यहाँ पर भी अपने को ऑप्शन मिल जाता है, अपने कटिंग का नाम सुना होगा, जे कट आते हैं, एल कट आते हैं या फिर जंप कट। ठीक है, जंप कट आता है हमारा नॉर्मल, तो आप चाहो तो जे कट एल कट करवा सकते हो इससे या फिर मिक्स करवा सकते हो बोथ, लेकिन मैं पर्सनली डिफॉल्ट रखता हूँ, मैं खुद से कर लेता हूँ वो सब चीज़। मुझे वो ज़्यादा पसंद आता है कि मैं खुद से ये चीज़ करूँ कटिंग के मामले में, जो स्टाइल है वो खुद का देना पसंद करता हूँ। तो लेकिन मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ,
ऑटो कट V2 पे 38 की नॉइज लेवल और कट एंड डिलीट पे क्लिक करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट ये 2 से 3 घंटे का काम था 24 मिनट्स की वीडियो को कट मारना और ट्रिम मारना। अभी ये सारा काम अपने आप से कर देगा, लेट्स सी कितने टाइम में करता है। मेरे हाथ नहीं चल रहे लेकिन काम फिर भी चल रहा है। अभी कट हो गए, अब ये नेक्स्ट चीज क्या करेगा, इसमें से हमारी क्लिप्स को हटा देगा, लाइक वो उनको रिमूव डिलीट कर देगा और टाइमलाइन को प्रॉपर एक जगह पे ले आएगा। ठीक है, तो प्रोसेस कंप्लीटेड, फैंटेस्टिक वर्क। हमने 107 मिनट बचा चुके हैं इसके अकॉर्डिंग, टोटल टाइम सेव्ड इतने घंटे मैंने बचा लिए हैं। यू कंप्लीट द प्रोसेस जस्ट 1 मिनट 48 सेकंड, 2 मिनट के अंदर इसने मेरी कटिंग कंप्लीट कर दी है और मेरे को हाथ भी नहीं चलाना पड़ा, सिर्फ क्लिप सेलेक्ट करके डन पे क्लिक करना पड़ा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं अभी और देखते हैं इसने हमारी वीडियो ऐसे कितने मिनट की बना दी। अभी इसने हमारी वीडियो 18 मिनट 34 सेकंड की बना दी है। अभी इसमें क्या बोल रहा, आप सोचोगे कि इतनी लंबी वीडियो कैसे बना दी है। वैसे टू बी ऑनेस्ट ये वीडियो 10 से 15 मिनट की वीडियो है, लेकिन जो मैंने एक चीज के रीटेक लिए हैं, इसको नहीं पता कि मैंने एक ही चीज के बार बार रीटेक लिए। ठीक है, तो इसने तो सिंपल कट मार दिया वो पार्ट जहां पर मैं रुका हूं, पॉज लिया है, जहां पर मैं वो ब्लैंक को रुका हूं, यहां पर जहां पर मैं कुछ और काम कर रहा हूं, स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं, वो पार्ट तो इसने काट दिए जहां पर आवाज नहीं है। लेकिन इसको नहीं पता जो चीज मैंने एक चीज को बार बार रिपीट करा है, तो वो ये नहीं काट पाया। वहां पर आप लोग क्या यूज कर सकते हो, ये ऑटो कट रिपीट वाला फीचर है, वो यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली उसे यूज नहीं करा है, अभी तक यूज नहीं करा है। ठीक है, बैड टेक्स के लिए, अगर आप एक मल्टीपल टेक्स लेते हो, एक टेक में रुक जाते हो, दोबारा उसका टेक लेते हो, तब आप उसको यूज कर सकते हो। मैंने उसको अभी तक यूज नहीं करा, आप चेकआउट करना जरूर। लेकिन फिलहाल मेरे लिए इतना काफी है, 18 मिनट की वीडियो, मुझे इसका 15 मिनट का करना है, 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे और मैं इस वीडियो को प्रॉपर फिनिश कर दूंगा कट वाइज। अभी यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, इसका ऑटो जूम। तो मैंने इस वाली क्लिप को चूज करा, ऑटो जूम पे क्लिक करा और अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ नहीं करता हूं। आप यहां पे छेड़ सकते हो वैसे आगे पीछे ऊपर नीचे, एक बार चेकआउट करोगे आपको पता चल जाएगा, मैं यूज करता रहता हूं। लेकिन फिलहाल जल्दी इसको दिखाता हूं आप लोग को, जूम पे क्लिक करता हूं सीधा, आपको दिख रहा होगा ऑटोमेटिकली लगा रहा है। इसने फिलहाल सिर्फ 2 ही लगाए, मैंने फिल्टर वैसा चूज कर रखा था कि ज्यादा मुझे कटने चाहिए। कैसे आपको अपने स्मार्टफोन की हेल्प से सिनेमैटिक यूट्यूब वीडियोस बनानी है, सिनेमैटिक बोलो प्रोफेशनल। हाँ, फर्स्ट से जंप कट पे भी लगा सकता है कि स्केल कर दिया, और एक स्लो वाला होता है, वो दोनों चीजें कर सकता है। आपको फिल्टर में ऑप्शन मिल जाएंगे चूज करने की आपको कौन सा चाहिए और कितना चाहिए। तो ये इस तरीके से काम करता है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टूल है। टू बी ऑनेस्ट ये आपका बहुत ज्यादा टाइम बचा सकता है अगर आप रोजमर्रा में एडिटिंग करते हो। बात तो सही है। और बाकी जो इसके और फीचर्स भी मिलते हैं वो भी कमाल के हैं, खासकर ऑटो जूम मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है और रहेगा। तो आपको ये टूल कैसा लगा, आप यूज़ करने वाले तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हाँ, इसमें ट्रायल भी मिलता है, 14 डेज का आई थिंक ट्रायल मिलता है, आप जाके चेकआउट करो। 14 डेज पसंद आए, नहीं आए आपके ऊपर डिपेंड करता, नहीं आएगा तो मत लेना, आएगा तो ले लेना। तो वीडियो पसंद आएगी देखने पर तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।